नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिलवाड़ा लोकवाणी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जहां आज महिलाओं के सम्मान और उनके सुरक्षा और उनके अधिकारों की बात पूरा विश्व कर रहा है, वहीं बिलवाड़ा में एक सरपंच पति ने उन पर ही अत्याचार कर उनके साथ मारपीट करी। कटालिया का खेड़ा सरपंच पति उदयराम बलई के साथ उनके लोगों पर यह आरोप लग रहा है कि वह झुग्गी झोपड़ी जला रहे हैं और वहां पर महिलाओं पर एवं लोगों पर डंडे एवं सरियों से मारपीट कर रहे हैं। इस मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि तहसीलदार व डिप्टी रामचंद्र कोतवाली डीपी दातीज मौके पर पहुंचे और वहां पर लोगों से जब भिलवाड़ा लोकवाणी के पत्रकारों ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वे पिछले 40 वर्षों से वहां पर निवास कर रहे थे, लेकिन सरपंच पति जो पेशे से एक अध्यापक भी है अपने 20 से 25 साथियों के साथ वहां पर पहुंचे और वहां पर 15 से 20 औरतों व युवाओं के साथ मारपीट करी। यह आरोप उन्होंने बिलवाड़ा लोकवाणी के साथ कैमरे पर कहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे वे लहूलुहान हो गए हैं। महिला दिवस के दिन सरपंच पति ने महिलाओं के सम्मान में जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया है, यह एक शर्मसार करने वाली घटना है। वहीं लोगों का आरोप है कि सरपंच पति ने बूढ़ी एवं गर्भवती महिलाओं पर भी डंडे बरसाए हैं और उनके साथ हाथापाई की है। अब देखना होगा कि क्या पुलिस प्रशासन और सरकार इस पर कोई कार्रवाई करती है। देखिए बिलवाड़ा लोकवाणी की ये रिपोर्ट। सर, हमारे जितने भी मनक थे वो सारे गांव के अंदर गए, भिक्षा वर्ती करने गए। हम यहाँ करीब से 40 साल से निवास कर रहे हैं घंटाला खेड़ा पंचायत। पहले ये आठकुंड पंचायत थी, अब घंटाला खेड़ा पंचायत होगी। हम यहाँ 40 साल से निवास कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी पहले वहाँ घंटाला खेड़ा वहाँ थी, तो उन लोगों को मार पीट के उनके घर चढ़ा दिए थे। हम देसी कल पे घुमंतु जाति के थे, तो उनको मार पीट करके वहाँ से भगा दिया, उनके घर पार दिए। उनके भी माता जी का मंदिर वहाँ पे मौजूद हालात में है। मैं वहाँ प्रशासन को लेकर चलूंगा, आप उसी जगह पे देखना, वहाँ मंदिर है। उन लोगों की झुग्गी झोपड़ी को बाढ़ दी चढ़ा के ये लोगों ने। हम 40 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं। उदयलाल उनकी औरत यहाँ की सरपंच है घंटाला खेड़ा से। उदयलाल टीचर है और टीचर कहने में बहुत बड़ा नाम है सर। हमारी औलाद को हम स्कूल में भेजते हैं, टीचर साहब के पास भेजते हैं, लेकिन ऐसी शिक्षा उनको भगवान ने। अभी आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? ये उदयलाल सरपंच है और सभी आदमियों के मुंह बंधे हुए थे और सारे आदमी लकड़ी मौजूद हालत में थी। मेरा नाम अनिल सपेरा है और मैं सांप पकड़ने का काम करता हूं। आपको ये चोटें कैसे लगी? ये सारे लोगों ने मारपीट की, झोपड़ी हमारे यहाँ पे जितने भी राशन थे खाने के मेरे भाई को मार रहे थे, सारे लोगों और जाटों की कॉपी मरवाया। अभी हमारी औरतों को मारी, उसका मेडिकल करने के लिए मेडिकल करवाए। हमारे को मार के पट्टा नहीं चाहिए। किसने मारा? मारे नहीं, सरपंच साहब आके मरवाए नहीं हमारे को। आज क्यों हुआ हुकुम? आते ही मारे सरपंच साहब, फोन लगे आ जाओ, सब कुंडे आए जिसके हमारे को तो मार दो सर। बस्ती है कालबेलियों की, कालबेली कह रहे थे कि हम वर्षों से रह रहे हैं, जबकि ग्राम पंचायत कह रही है कि अभी ये 4-5 साल से रहने शुरू हुए हैं। इस बात को ग्राम पंचायत अतिक्रमण मान रही है, जबकि कालबेली कह रही है कि हम काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, हमारे ये स्थायी किया जाए। इस बात को लेकर आज ग्राम पंचायत वर्षे जी ने कालबेलियों के का सुनी जरूर हुई है, जिस संदर्भ में पुलिस पूरी मौके पर पूरी शांति है और ऐसी अभी भी फिलहाल कोई ऐसी अभी अभी काफ़ी लोगों के चोटें भी आई हैं और इसके आगे क्या कार्रवाई होगी? फिर अभी जो ये रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन कर दी जाएगी। फिलहाल अभी किसी ने रिपोर्ट नहीं दी है। हाँ सर, आज जो आप यहाँ पे आए हैं अभी क्या क्या समाधान के लिए? हम ये समाधान करेंगे कि ये जो लोग रह रहे हैं, ये पिछले 15-20 साल से रह रहे हैं और इनको जैसे बसे हुए हैं, इनका जो भी मिनिमम क्राइटेरिया है, एक व्यक्ति को जितना पट्टा दिया जा सकता है उतना पट्टा दिए जाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि इन लोगों का आगे भी जो इनके रहने की जो मिनिमम सुविधा है वो मिल सके। और ये इस मामले में सहमत भी सहमत है, इनके विकास अधिकारी महोदय भी सहमत है, तो जो भी है इनको प्लानिंग से उनके साथ उस हिसाब से, ताकि इनका भविष्य में कभी भी इस तरह का विवाद नहीं। अभी जो हुआ यहाँ पे, ये लोग आरोप लगा रहे हैं सरपंच साहब पे सीधे कि इनको मारा गया, छोटे पहुँचाई गई, क्या मध्यस्थता संबंध नहीं? मुझे इस संबंध में आधी जानकारी नहीं है ज़्यादा। अगर कोई हुआ होगा तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मेरा
तहसीलदार भीलवाड़ा हूँ। मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर दंगा हुआ है, कुछ घरों में आग भी लगाई गई है और मारपीट भी हुई है। प्रशासन की सतर्कता से यहाँ पर जो है जो दंगा हो रहा था उसको रोका गया है और कुछ लोगों को हॉस्पिटल भी पहुँचाया गया है। और अभी यहाँ पर तहसीलदार साहब आए हुए हैं, बीडीओ साहब आए हुए हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भी इनको जो है हम स्थायी समाधान कर करके और इनको यहाँ पर स्थाई मतलब पट्टे वट्टे दे करके और उनको स्थाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि जैसे राज्य सरकार की जो योजना है, जो लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा की थी कि घुमंतू व्यक्ति जहां भी रह रहा है वो अगर जाकर के कहता है कि भी मैं यहां फलाना जगह रह रहा हूं तो उसको तुरंत पट्टा और भूखंड देने की योजना सरकार की भी है। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज में देरी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। और जबकि पूरा प्रशासन यहाँ आ चुका है तो अब देरी नहीं होनी चाहिए और हमारे सभी लोग मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार है और प्रशासन के साथ में है। आगे से कभी इस प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। जैसे कि देखा गया है कि अभी सरकार तीन साल हुए हैं शायद कांग्रेस की सरकार को, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उससे पहले फिर कांग्रेस की सरकार थी। इतने सारे सरकारें आती हैं और जाती हैं और यहाँ पे हमेशा से सांसद साहब भी बीजेपी के रहे हैं और विधायक साहब भी बीजेपी के रहे हैं। आज तक सिर्फ इन लोगों को आश्वासन दिया गया या फिर वोट के लिए इस्तेमाल किया गया या आज तक इनकी ओर कोई रुख किया? देखिए हम देख रहे हैं कि बरसों से जो घुमंतू जातियां हैं अपना जीवन यापन आज इस गांव तो आज उस गांव जाकर के करती हैं। सरकारों ने कभी भी इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सरकारों ने अगर इनके ऊपर ध्यान दिया भी केवल चुनावी रेवड़ियां बांटने के लिए किया गया है। चुनाव आते हैं उस समय वोट लेते हैं और उसके बाद में रफू चक्कर हो जाते हैं, मतलब उनका इनसे कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि आप भी युवा मोर्चा से हैं बीजेपी? मैं डीएनटी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूं। आप सहमत हैं कि आज विधायक साहब भी बीजेपी के हैं और सांसद साहब भी बीजेपी के हैं? बिल्कुल बीजेपी के हैं, परंतु मेरे हिसाब से उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया है और ये बात सत्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से करीबन 7 वर्ष पूर्व है, हमने जोधड़ा को लेकर के जोधड़ा योजना थी घुमंतुओं की, उसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की योजना थी, लेकिन मुख्यमंत्री खुद आकर के वो जमीन जो है बाहुबली समाजों को दे करके चले गए, जबकि वो नक्शाशुदा जमीन थी। उस चीज के लिए हमको संघर्ष करना पड़ा, 5 दिन तक आमरण अनशन चला और जिला कलेक्टर महोदय ने हमारी मांग मानी और आज 1030 प्लॉट जो है घुमंतू जातियों को वहां दे रखे। क्या आपने इसकी आवाज जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई? मैंने पहुंचाई थी लेकिन किसी ने सुनी नहीं, इसलिए मुझे खुद संघर्ष करना पड़ा और हमने विजय प्राप्त की। राजकुमार मालावत, एससी घुमंतू और घुमंतू विमुक्त अधिकार मंच प्रमुख। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भीलवाड़ा लोकवाणी न्यूज ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखे ताजा खबरें आपके मोबाइल पर, देखे न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भीलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूले आपका अपना भीलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।